हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हैप्पी वर्ड के सिनोनिम्स। हैप्पी जहाँ भी आपको यूज़ करना है उसकी जगह पे आप ये सिनोनिम्स यूज़ कीजिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ जॉयफुल। जॉयफुल मतलब जब हम खुशी से भरे होते हैं, तो जॉयफुल आप हैप्पी की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। हमारी जर्नी बहुत जॉयफुल थी, हैप्पी जर्नी की जगह आप कह सकते हो वी हैड अ जॉयफुल जर्नी। तो ये जॉयफुल वर्ड आप एन्जॉय और जॉय, सो जॉय इज़ बेसिकली अ पॉजिटिव वर्ड विच मीन्स यू आर हैप्पी। नेक्स्ट इज़ चेयरफुल, सो दैट इज़ अगेन विद सेम मीनिंग दैट आई वॉज वेरी चेयरफुल वैन आई वॉज विद हिम, ही वॉज वेरी चेयरफुल वैन ही वॉज विद हर। सो चेयरफुल भी यही है कि खुशी से भरा हुआ। मैरी, तो इट्स वेरी कॉमन, हम मैरी क्रिसमस यूजली विश करते हैं, जैसे हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं ऐसे ही हम मैरी क्रिसमस विश करते हैं। सो मैरी मीन्स अ हैप्पी थिंग, सो यू कैन से आई विश यू अ मैरी क्रिसमस। सो मैरी मीन्स हैप्पी। डिलाइटेड और इलेटेड, इसका मतलब है कोई भी इंसान जब अपनी खुशी जाहिर करता है तो उसको कहते हैं कि ही वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी मी, वो मुझे देख के बहुत खुश हो गया। I was very elated to know about your arrival. मैं बहुत ही खुशी से भर गई और एक्सप्रेस कर रही थी मैं खुशी जब मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो। So, I was delighted to see you. Ram was elated to know about my arrival. So, elated या delighted दो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए डे टू डे लाइफ में इंस्टेड ऑफ saying happy. अब हम आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स पे जब हमने किसी को बताना हो कि उसका फेस खुशी से भर गया या वो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई, तो फिर हम वर्ड यूज़ करेंगे स्माइलिंग या रेडियंट। स्माइलिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं कि व्हेन ही सॉ हिज मदर हिज फेस बिकेम स्माइलिंग या हिज फेस वॉज स्माइलिंग, तो यानी कि वो स्माइल कर रहा था। और सेकेंड वर्ड है रेडियंट। रेडियंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से लाइट निकल रही हो तो वो चीज़ ग्लो करती है, जैसे कि स्टार्स रेडियंट होते हैं या लाइट्स रेडियंट होती हैं, तो कोई भी ग्लोइंग चीज़। तो जब हम खुश होते हैं तो हमारा फेस भी खुशी से ग्लो कर रहा होता है, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रेडियंट, दैट हिज फेस वॉज वेरी रेडियंट ऑन सीइंग हिज मॉम। सो रेडियंट या स्माइलिंग। नेक्स्ट इज़ पर्सनैलिटी। जब हमें बताना हो कि किसी की पर्सनैलिटी, कोई इंसान बहुत खुश मिजाज है या उसकी नेचर ऐसी है कि वो खुश रहता है हमेशा, तब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट दिस पर्सन इज़ वेरी जॉली, जॉली नेचर का है ये, जोवियल, जोवियल का भी यही मतलब है, और गुड ह्यूमर्ड, ह्यूमर्ड मतलब कि वो हर चीज़ में एक पॉजिटिव साइड देख के खुश होता है या उस चीज़ को लाइटली लेता है, सैड नहीं होता है। सो पर्सनैलिटी के लिए जब आपने हैप्पीनेस को लिंक करना है तो आप जोवियल, जॉली या गुड ह्यूमर्ड यूज़ करेंगे। फेस के साथ आप स्माइलिंग या रेडियंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी राइटिंग या स्पीकिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।